राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती आज, राजघाट पर पीएम मोदी ने दी बापू को श्रद्धांजलि। दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू समेत बीजेपी सांसद रहे मौजूद, पुलिस ग्राउंड से शुरू हुई 6 किलोमीटर की दौड़। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर जल शक्ति मंत्रालय आज मनाएगा स्वच्छ भारत दिवस, कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की आज गांधी जयंती के मौके पर जनसुराज पदयात्रा, पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम से शुरू होगी यात्रा, अगले 1.5 साल में बिहार के कोने कोने में पहुंचेगी यात्रा। यूपी के मुरादाबाद में बच्चा चोरी मामले में 4 लोग गिरफ्तार, 3 महीने के बच्चे को चुराने का आरोप, पुलिस ने 6 दिन में सुलझाया केस। मेरठ में चलती कार में अचानक लगी आग, कार से कूदकर शख्स ने बचाई जान, कार जलकर खाक, सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 122 लाल चंदन की लकड़ी जब्त की, गई चंदन की लकड़ी की कीमत 1,20,00,000 रुपए। असम के नौगांव में जानवरों के अवैध तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 34 मवेशियों से भरी बस को सीज किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड, चिन्याली सौड़ के पास मलबा आने पर गंगोत्री हाईवे बंद, देर रात भारी बारिश के बाद आया मलबा। पुणे के चांदनी चौक पुल को विस्फोटक लगाकर गिराया गया, पुल को जैसे ही गिराया गया वैसे ही नोएडा में ट्विन टावर को गिराया गया था, चांदनी चौक पुल की जगह बनेगा फ्लाईओवर। यूपी के भदोही में बस और ट्रक की भीषण टक्कर, विंध्याचल धाम में दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु हुए घायल, बस में सवार 70 लोग, हादसे में घायल लोग अस्पताल में भर्ती। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख, मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कानपुर हादसे पर जताया दुख, पीएम राहत कोष से मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान। कानपुर हादसे के बाद सीएम योगी की लोगों से अपील, कहा ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सिर्फ कृषि कार्यों और माल ढुलाई के लिए ही करें, सवारियों को न ले जाया जाए, जीवन अमूल्य है, लापरवाही न बरते। कानपुर हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी जताया दुख, योगी सरकार पर बोला हमला, कहा यूपी में परिवहन विभाग और पुलिस वाले सिर्फ वसूली करते हैं, जान गंवाने वाले परिवार को मिले 5-5 लाख का मुआवजा। बिहार के आरा में रेत माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, कई ठिकानों पर छापेमारी में 19 लाख से ज्यादा कैश बरामद, साथ ही 25 कारतूस और सोने की अंगूठी और चेन भी बरामद, आरोपी माफिया फरार। बिहार के बक्सर में 7 लोगों की हत्या का आरोपी कुख्यात मुन्ना राजभर और उसके साथी गिरफ्तार, खबरों के मुताबिक पंचायत चुनाव में किसी घटना को अंजाम देने पहुंचा था, मुन्ना के खिलाफ बिहार के कई जिलों में हत्या और लूट के मामले दर्ज है। हरियाणा के सोनीपत में ऑनलाइन ठगी का बड़ा खुलासा, देश में बैठकर विदेशी दे रहे थे ठगी को अंजाम, 500 लोगों से कर चुके हैं करोड़ों की ठगी, 3 विदेशी नागरिक समेत 4 लोग गिरफ्तार, 20 मोबाइल और 55 डेबिट कार्ड भी बरामद। हरियाणा के खानपुर गांव में छात्राओं का लेक्चरर पर उत्पीड़न का आरोप, छात्राओं ने लेक्चरर की बर्खास्तगी और कानूनी कार्रवाई की मांग की, छात्राओं ने कहा कार्रवाई होने तक जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। यूपी के सीतापुर में पेट्रोल टैंकर और धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण टक्कर, टैंकर में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए पहुंची दमकल की गाड़ियां, एक शख्स के जिंदा जलने की आशंका। बीते 24 घंटे में कोविड के 3,375 नए केस सामने आए, लगातार देश में कोविड के कुल एक्टिव केस 37,344 हो गए। इंदौर की सेंट्रल जेल में कैदियों ने खेला डांडिया, कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर भी रही मौजूद, जेल में 9 दिनों तक दुर्गा उत्सव की धूम। चंडीगढ़ में गार्जियन ऑफ गवर्नेंस यानी जीओजी सेवाएं खत्म करने के विरोध में भगवंत मान सरकार का विरोध, प्रदर्शन के बाद पंजाब सरकार ने दिया बातचीत का न्योता, 6 अक्टूबर को सीएम आवास पर होगी बैठक। गुजरात में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया गरबा, राजकोट के कार्यक्रम में हुए शामिल, विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन के दौरे पर सीएम मान। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला जाएगा, 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है।
महिला एशिया कप में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 41 रन से हराया। भारत की तरफ से जेमिमा रोड्रिक्स ने 76 रनों की शानदार पारी खेली। हरमनप्रीत ने बनाए 33 रन। नवी मुंबई के कोपरखेड़ इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरी। समय रहते सभी 35 परिवार बाहर निकले। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में मुकाबला। के एन त्रिपाठी का पर्चा रद्द। 19 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा, चुनाव को लेकर गांधी परिवार निष्पक्ष है। सबकी इच्छा है पार्टी मजबूत बने। विश्वास है मुझे अच्छे मत मिलेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे आज दोपहर 12:30 पर 10 राजाजी मार्ग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आम आदमी पार्टी का मिशन गुजरात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के दौरे का आज दूसरा दिन। गुजरात के सुरेंद्र नगर और खेड़ ब्रह्मास में जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में अब फोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम बोला जाएगा। शिंदे सरकार ने आदेश जारी किया। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर मरम्मत की वजह से आज सेवा बाधित रहेगी। सुबह से दोपहर 2 तक नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली और सेक्टर 21 द्वारका के बीच सीधी मेट्रो उपलब्ध नहीं रहेगी। लगातार 6 बार मध्य प्रदेश का इंदौर बना देश का सबसे साफ शहर। सूरत और नवी मुंबई ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में शहरी विकास मंत्रालय ने किया ऐलान। आज है शारदीय नवरात्र का 7वां दिन। देवी दुर्गा के 7वें रूप माँ कालरात्रि की देश भर में पूजा। शुभ निशुम और रक्त बीज राक्षसों के संहार के लिए देवी ने लिया था कालरात्रि का अवतार। पश्चिम बंगाल के उत्तर कोलकाता के बाग बाजार में 100 सालों से होता रहा है दुर्गा पूजा का आयोजन। 2021 में इस मंदिर को यूनेस्को ने हेरिटेज का दर्जा दिया था। दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं लोग। कोलकाता में अष्टधातु से तैयार की गई मां दुर्गा की 11 फीट की ऊंची प्रतिमा। देवी दुर्गा के दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि के 5वें दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने वडोदरा नवरात्रि उत्सव में गरबा खेला। मुंबई के चकाला में केदारनाथ की थीम पर देवी मां की मूर्ति की स्थापना। दर्शन के लिए लगी भक्तों की भीड़। 30 से 40 कारीगरों ने 10 दिन में तैयार किया पंडाल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बारिश के बाद जल जमाव की समस्या। दुर्गा पूजा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानी। 5G लॉन्च के बाद 2 बड़ी मोबाइल कंपनियों ने देश में 5G सर्विसेज की शुरुआत की। दिल्ली मुंबई समेत 8 शहरों में एयरटेल की सर्विस आज से। जियो का दिसंबर 2023 तक देश भर में 5G सेवाएं देने का वादा।